भोपाल पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने जानकारी देते हुए कहा कि सभी पुलिसकर्मी नाइट कर्फ्यू के दौरान सतर्क रहें। यदि कहीं पर भीड़भाड़ दिखाई देती है तो यह समझ लिया जाएगा कि उस क्षेत्र में पुलिस अपने काम में कोताही बरत रही है, वह सतर्क नहीं है। इसके लिए उन्होंने सभी थाना प्रबंधकों को सख्त निर्देश दिए कि कर्फ्यू के दौरान जो हिदायत है उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। अगर किसी को दिक्कत आती है तो इसकी जानकारी तुरंत उन्हें दे। उन्होंने कहा कि जीटी रोड पर ट्रक आदि ना रोके जाएं, यदि कोई जरूरी आपातकाल स्थिति में है तो उसका भी स्थिति को देखकर निर्णय ले। एसपी ने कहा कि रात्रि कर्फ्यू के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस के जवान तैनात किए जाएंगे और अपने साथ मास्क व सैनिटाइजर रखेंगे ताकि जरूरत के अनुसार आम आदमी को मास्क दिया जा सके। लोगों की जान बचाने के लिए जिला प्रशासन हर संभव प्रयास करेगा। वहीं उन्होंने सभी लोगों से अपील भी की है कि वे पुलिस प्रशासन का इसमें सहयोग करें। कि सरकार के ये डायरेक्शंस है, उसके बाद में 9 बजे के बाद में निश्चित तौर पे हम ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी सेवाएं चालू नहीं रहनी चाहिए या जो भी दुकानें बंद रहनी चाहिए बंद रहे। सर, केमिस्ट हैं, हॉस्पिटल्स हैं और उनको इजाजत दी गई है तो उनके लिए जो वर्कर्स हैं उनके पासिस बनाए जाएंगे कुछ? देखिए, अभी जो डीसी साहब ने मीटिंग ली थी उन्होंने उसमें कहा भी था यदि कोई इस प्रकार की कोई बात आती है तो निश्चित तौर पर जिला प्रशासन ये सुनिश्चित करेगा कि उन लोगों को कोई किसी प्रकार की असुविधाएं ना हो, आपातकालीन सेवाओं में किसी प्रकार की कोई भी बाधा ना आए। सर, अंत में करनाल के तमाम लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? खासतौर पर इस तरह के लोग देखे जाते हैं कि फंक्शंस काफी हैं, मैरिजेस काफी हैं और कई बार ऐसा होगा कि अमूमन दूसरे शहर से कुछ लोग फंक्शन अटेंड करके आ रहे हैं, देरी हो जाए। देखिए, मेरा सभी करनाल वासियों से अपील है कि जितने भी स्वास्थ्य परिवार मंत्रालय या हरियाणा सरकार की जो गाइडलाइंस है, ये हम सभी को विदित है कि करनाल जिले में भी कोरोना के संक्रमण दर में काफ़ी पिछले दिनों में काफ़ी केसेज आए हैं, तो ये हम सभी लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और हम लोग आपस में मिलकर ही इस कोरोना नामक महामारी से जंग से जीत सकते हैं। तो जितने भी निर्देश है उनका अपने हिसाब से पालन करें। पुलिस अपनी तरफ से इन्फोर्समेंट जरूर सुनिश्चित करेगी लेकिन लोगों में अवेयरनेस इस बारे में होनी बहुत जरूरी है। सर, किसी स्पेशल ऑफिसर को तैनात किया गया सर ये नाइट कर्फ्यू को पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए? देखिए, जो संबंधित जो थाना प्रबंधक है उनकी अपने थाना क्षेत्र की और जो चौकी इंचार्ज है उनका अपने चौकी का जो अधिकार क्षेत्र है वहाँ पर वो ड्यूटी करेंगे। जितने भी हमारे डीएसपीज हैं वो ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी एसएचओ और चौकी इंचार्ज इस नाइट कर्फ्यू की पालना सख्ती से करवाएं। सर, जो नियमों की अवहेलना करता है उसके खिलाफ क्या सर कार्रवाई की? देखिए, जो भी नियमों की अवहेलना जानबूझ के करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और धारा 188 आईपीसी के तहत मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकता है। सर, अभी ये घटना हुई है नेहरू पैलेस के पास एक ही रिक्शा को तोड़ दिया, सर इस तरह की जो वारदात लोग करते हैं उनके लिए क्या सख्ती रहेगी? देखिए, जो कल की जो घटना हुई थी वो भाई हमारे संज्ञान में है, उस पर जो भी उचित कानूनी कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही जो लोग शराब पी करके रात में हुड़दंगबाजी करते हैं या लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। और जैसा कि पिछले 1 तारीख से हम जो अवैध खुर्दे हैं जो सार्वजनिक स्थलों पर जो शराब पीते हैं उनके खिलाफ ये अभियान चलाया हुआ है और हमने अभी 100 के आसपास मुकदमे पिछले 12 दिन में दर्ज किए हैं और ये पूरे महीने भर में गृह मंत्री जी के आदेशानुसार स्पेशल अभियान चल रहा है तो हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसकी पालना और सख्ती से करवाएं। देखिए, इसमें अभी हम जो कंसर्न डीटीसी हैं उनसे इस बारे में एक बार पता करेंगे और जो जिला प्रशासन के जो भी आदेश होंगे उनके हिसाब से पालना। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक